બુલેટિનમાં આગળ વધીએ અને જઈએ સીધા જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સંબોધનમાં. ઓર મેચ્યોરિટી કે સાથ અપને પડોશી દેશ બાંગ્લાદેશ કે સાથ અપની મેરીટાઇમ બાઉન્ડ્રી કો સુલઝાયા હૈ. તીસરા સિદ્ધાંત, હમે પ્રાકૃતિક આપદાઓ ઓર નોન સ્ટેટ એક્ટર્સ ઇનકે દ્વારા પેદા કિયે ગયે મેરીટાઇમ થ્રેટ્સ કા મિલકર સામના કરના ચાહીએ. इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं. साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं. पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है. भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है. हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है. हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है. चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा. जैसा कि हम जानते हैं, ओशंस का क्लाइमेट पर सीधा इंपैक्ट होता है और इसलिए हमें अपने मैरिटाइम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा. और ओवर फिशिंग और मरीन पोचिंग के खिलाफ साझा कदम उठाने होंगे. साथ ही हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए. भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है. हमने सस्टेनेबल फिशिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई पहले ली है. पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए. यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसको भी ध्यान में रखना होगा. इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए. एक्सलेंसीज, मुझे विश्वास है इन पांच सिद्धांतों के आधार पर मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक वैश्विक रोड मैप बन सकता है. आज की ओपन डिबेट की उच्च और सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है. इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं. धन्यवाद.